वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और घर पर ही होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो आज सबका मन था घर पे मीठा खाने का, तो बाहर मार्केट तो खुल नहीं रही और कहीं बाहर तो मिलना नहीं। सो फिर क्या करती, तो मैंने दूध को जलाया, दूध का खोया बनाया और मैदा घर पे रखा था। सो सोचा चले खोए के रसगुल्ले ही बना लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है और 250 ग्राम खोया, उतने ही रेशियो में जितना मैदा आप अगर दो कप मैदा ले रहे हो तो 2 कप खोया। और इसको हमें दूध से करना है, खोया और मैदा एक साथ मिक्स करने के बाद हम इसको आपस में जो है मोवन की तरह रब करते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फिर खोए के अपने ही घी से ये पूरी अच्छी तरीके से बंधने लगता है और तब तक तो ये टाइट रहेगा। फिर थोड़ा थोड़ा दूध लेके साथ में दूध के साथ इसको गूंथते जाते हैं, जिससे हमारा डो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही हमारे रसगुल्ले बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो गुलाब जामुन सॉफ्ट बनाने के लिए हमको डो को सॉफ्ट बनाना है। तो जितना अच्छे से आप इसको मलोगे, बहुत ज़्यादा इसमें मलना होता है, और जितना जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा मल के इसको जो है सॉफ्ट डो तैयार करते हैं। और फिर ये हमारा डो तैयार हो गया है तो हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, गुलाब जामुन छोटे छोटे बना लेंगे। सो इसके बाद जो है मैंने गुलाब जामुन को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया और फटाफट इसके गोल गोल लोइयां बना ली। और गोल गोल गुलाब जामुन देखिए जिस तरीके से मैंने बनाया, ऐसे आप कोई भी शेप बना सकते हो। उसे मैंने गोल बनाए थे और कढ़ाई में तेल डाल के धीमी आंच पर पहले ही रख देते हैं, जिससे हमारा तेल गरम होता रहे धीमी धीमे। और दूसरी तरफ पैन पे मैंने चाशनी डाल के रखी हुई है, 1 कप पानी और 1 कप चीनी, नॉर्मल कप है जिसमें हम चाय पीते हैं, मेजरिंग कप मेरा वही है, मैं उसी से नापती हूँ। तो उसी से आप जिससे भी नापते हो, तो जितना भी रेशियो आप लो उतना ही रेशियो हर चीज़ का बराबर रखना। तो हमारी चाशनी उधर तैयार हो रही है, तो ये 1 कटोरी से मैंने चीनी डाली थी, 1 कटोरी से पानी। तो आप जिससे भी नापते हो उससे बराबर ही रेशियो रखना। तो यहाँ पर तेल हमारा हल्की आंच पे रखा हुआ है, गरम हो रहा है, उधर मेरी चाशनी रेडी हो रही है। और अब हम तेल चेक करते हैं, मेरा तेल गरम हो गया है। सो इसमें जो है कि धीमी आंच पे पकता रहेगा, उधर मेरी चाशनी तैयार हो रही है, इधर में रसगुल्ले हमारे बन के रेडी हैं, बस तलना बाकी है। जब पेट चाशनी रेडी हो जाएगी तो उसके बाद उसको ढक करके रख देंगे। और हाँ ये बताइए फ्रेंड्स, यार आप लोगों का कैसे दिन पार होता है। हम तो बिल्कुल ही ऊब चुके हैं, मतलब लाइफ में कुछ रह ही नहीं गया, इतनी बोरिंग लाइफ हो गई है ना कि बस कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। गैस मेरी बुझ गई थी और लाइटर मेरा काम नहीं कर रहा था, तो उससे मुझे तीली से जलाना पड़ा। सो एक रसगुल्ला डाल के मैं चेक कर रही थी कि तेल मेरा गर्म हुआ कि नहीं और जलने ना पाए, जैसे एक ही जलेगा ना अगर जलेगा तो बस ऐसे ही हम सारे रसगुल्ले धीमी आंच पर उसको तल लेंगे। और बस धीमे धीमे ही तलेंगे और अपना जब गुलाब जामुन के कलर पर आ जाएगा डार्क ब्राउन में, तो इसको हम गर्म चाशनी में नहीं डालेंगे, थोड़ी चाशनी हमारी ठंडी और गर्म रहेगी, थोड़ी ठंडी रहेगी तभी। और ये चाशनी को चेक करते रहना है कि हमारी चाशनी अब रेडी है कि नहीं, अभी रसगुल्ले पकने में टाइम है। तो हमारी चाशनी यहाँ पे पक रही है। तो यार ये बताओ, दिन भर काम करते करते एकदम से परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोई समझने वाला समझता ही नहीं है। हम औरतों की लाइफ इतनी बकवास क्यों है, इतनी बोरिंग क्यों है, सबका करो बस झाड़ू पोछा बर्तन खाना, बस यही रह गई है लाइफ। इतना करने के बाद भी फिर भी कोई नहीं समझता औरतों को, चाहे जितना कर लेंगे हम लेकिन किसी को नहीं दिखता, चाहे कितना भी काम कर लो दिखाई किसी को नहीं देता। कहीं कुछ अगर गड़बड़ हो गया, गलत हो गया तो सुनने के लिए ही हम ही लोग हैं, और हम लोग को ही सुनाने वाले ही सब लोग मिल जाते हैं, क्या करें।
सुननी पड़ती, क्योंकि सुनने के लिए ही तो बने हैं हम लोग। खैर चलिए, हमारा रसगुल्ला यहाँ पे तल रहा है और रात के 1:30 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत नींद भी आ रही है। सॉरी गाइस, यहाँ मेरी चाशनी तैयार हो गई है और रसगुल्ले भी पक रहे हैं, तो चलिए बस ये पक जाएंगे। रसगुल्ले को गरम गरम, रसगुल्ले को ही थोड़ी ठंडी थोड़ी गरम, बहुत एकदम से ठंडी चाशनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी गुनगुनी रहनी चाहिए। बस आप देख सकते हो ये एक तार नहीं बनेगा पूरा, एक तार बनने से पहले ही इसको हमें उतार देना है। तो बस हमारी चाशनी तैयार है और आप देख सकते हो कि एक तार ये पूरा नहीं बन रहा है और ये बस बन रहा है और टूट रहा है। बस हमें इतने ही चाहिए और हमारी चाशनी रेडी है। ये देखिए तो हमारी चाशनी रेडी है, अब इसको यहीं पर रोक देते हैं। तो ये तैयार हो चुका हमारा, बस मेरा रसगुल्ला भी यहाँ तैयार है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और पूरी वीडियो देखा कीजिए। कोई भी वीडियो हो बहुत मेहनत से बनती है यार, थोड़ा सा सपोर्ट आप करोगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। तो एक लाइक कर दिया करो ना यार, क्या जाता है आप लोगों का, एक लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट करा दो जल्दी से। सो रसगुल्ले मेरे यहाँ तैयार हैं, मैंने चाशनी में डाल दिए हैं। सो किसको किसको देख के पानी आ रहा है मुँह में, फटाफट खा लीजिए आप लोग। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।